आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और बेसिक्स से करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब भी हम सुनते हैं किसी से कि क्या होता है तो एक लंबा सा वाक्य बोला जाता है बहुत लंबा, बहुत देर के बाद पूर्ण विराम आता है उसके अंदर में क्या बोला जाता है, जब किसी वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, उसके डूबे हुए भार के द्वारा हटाए गए द्रव भार के बराबर तो बहुत लंबा थोड़ा सेंटेंस है और इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। तो खैर लंबे सेंटेंस की तो जब समझ में आ जाता है तो ठीक है, फिर याद भी हो जाता है कि आप जब डुबाते हैं तो हटाए गए, है ना, ये हटाए गए बहुत दिनों के बाद समझ में आया था कि हटाए गए का क्या मतलब है किसको किसने कहाँ हटाया और हटाया गया द्रव कहाँ है। तो शुरुआत के अंदर में मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, जब मैंने क्लास 8 में या जब भी पढ़ा होगा इसको, कि ये हटाए गए शब्द किसको कब किसने कहाँ हटा दिया पता नहीं चलता था, ये बहुत बाद में बड़े होने के बाद समझ आया कि अच्छा जहाँ ये है जिसको हमने डुबाया है, जहाँ ये है अब, वहाँ पहले पानी था और इसने अपनी जगह बनाई है वहाँ पर और इसलिए उस पानी को वहाँ से हटाया है और वो उतना ही हटाएगा परम संतोषी जितना उसको ज़रूरत है, जितना उसको अपने खुद के रहने के लिए जितना चाहिए उतना ही वहाँ से विस्थापित करेगा, बाकी कोई उसको होल्डिंग करने का और करने की कोई मंशा नहीं है। तो इसलिए जो डूबा हुआ भाग है उसका जितना आयतन है उतना ही आयतन वो द्रव को हटाता है अपनी जगह बनाने के लिए, और उतना ही जो लिक्विड है उतना ही जो द्रव है उसका जितना भार है उतनी कमी आती है इसके अपने भार में जो हम नापते हैं, तो ऐसा करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, लेकिन एनीवे आप समझ में आ गई तो बात ठीक है। तो ना उसको और बीच में से जा करके देखते हैं, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में आर्किमिडीज ने जिस समय में ढूंढा होगा उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है वो सब पढ़ने की चीज़ होगी, बड़ी रोचक चीज़ होगी ज़रूर, कि आर्किमिडीज जिस समय में उन्होंने इसको इसका अनुभव किया और इसको फॉर्मुलेट किया उस समय में क्या जानकारियाँ थीं और क्या नहीं थीं और आर्किमिडीज का क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो ये बात लेकर के आए। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद अब हम लोग ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कोई अलग से प्रिंसिपल नहीं है, राइट, कोई अलग से सिद्धांत नहीं है, कोई अलग से लॉ नहीं है। तो हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे पास में दो बीकर मुझे नज़र आ रहे हैं, एक लगभग एक जैसे नज़र आ रहे हैं मुझे, तो ये एक बीकर है, दूसरा बीकर है, इसमें भी ज़रा पानी डाल दीजिए, तो इतना ही पानी डाल दीजिए जितना इसमें ऑलमोस्ट। हेलो हेलो, डरो नहीं, बस ठीक। अब यहाँ पे ये पेंडुलम भी नज़र आ रहा है, कुलदीप जी कह रहे थे पहले किताबों में धागों से डाला करते हैं पकड़ करके, हाथ से नहीं डाला करते हैं, हाथ नहीं डुबाते हैं, तो धागे भी हैं यहाँ पर। उसको भी बांध दीजिए, धागा लगा हुआ है तो बांध ही दो।
पहले इसको पूर्णतः डुबा दिया जाए, बाद में आंतरिक सोचा जाएगा। डुबा क्या? हुक छोड़ करके। हाँ, हुक नहीं डूबेगा तो हम डुबा देंगे। अब कहाँ जाएगा? अब इस पानी के अंदर में, और यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ तो पानी के अंदर में जो ये बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, तो ऐसा ही आप यहाँ पर इस बीकर में कंपेयर कीजिए, इसमें भी पानी है, उसमें भी पानी है, लगभग बराबर। तो जहाँ वो बॉल है, आप सोचिए कि यहाँ पे इस बीकर में वहाँ क्या है, उतने ही पानी को सोचिएगा, जितना बड़ा बॉल है उतने ही को सोचिएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये बीकर हुआ, इसमें ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, मैं इस बीकर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बीकर में इतना जो पानी है, इतना पानी, राइट, ये कितना पानी मैं बोल रहा हूँ, बॉब का जितना साइज है, बॉब का जितना साइज है, उतने ही पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये पानी संतुलन में है कि नहीं, एक्सेलरेट तो नहीं हो रहा, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, दाएं बाएं तो नहीं जा रहा, तो इस पर लगने वाला टोटल परिणामी बल क्या होगा, सुनी होगा ना। हाँ, तो इस पानी की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पानी की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यू ए, ए उसका नाम दिया, ए, ए पर लगता परिणामी बल बराबर जीरो, ठीक, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये पानी जो है, कहीं नहीं जा रहा है, ये पानी जहाँ है वहीं है। हाँ, इसी डेप्थ के ऊपर और यहाँ पर जो पानी है उसको खाली आप सोचिए, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं पर है, तो इसलिए ये जो है इक्विलिब्रियम में है, और इस कारण से हम इस न्यूटन के पहले नियम का या इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे कि कुल परिणामी बल जीरो है एनी इंस्टेंट। पाँच मिनट के बाद थोड़ी बदलने वाली है कहानी, दो मिनट के बाद भी नहीं बदलने वाली है। थोड़ा बहुत तो पानी ऊपर नीचे करेगा। नहीं करेगा ना, वो जो होता है क्या होता है, वो आप शायद मॉलिकुलर मोशन की बात कर रहे हैं, कहीं कोई वॉइड नहीं बनता है। अच्छा। एक तरफ से कोई मॉलिकुल जाता है तो दूसरी तरफ से घुस भी जाता है, राइट। तो उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी अगर आप नापोगे तो वो नहीं बदलती, वो नहीं बदलती, तो जितना पानी है उतना ही है, उतना ही है। और चूंकि सारे मोशन रैंडमाइज्ड है, तो इस मोशन के कारण से भी ना वो एक दिशा में इधर जा सकता है, ना उधर जा सकता है, ना उधर जा सकता है, ना उधर जा सकता है, वो सब वहीं पर है। ओके, अब बताओ कि इस पानी के ऊपर ये जो परिणामी बल हम कह रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये बल आ रहे हैं जिसका मैं परिणामी ले रहा हूँ, इसके ऊपर कौन कौन लोग फोर्स लगा रहे हैं, अलग अलग, अब अलग अलग खोज रहे हैं। ए पर लगने वाले बल, ग्रेविटी, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। पानी में स्ट्रिंग कहाँ है भैया, यहाँ तो स्ट्रिंग है ही नहीं कहीं। मैं तो यहाँ पर जो पानी है ना, जितना बड़ा ये बॉल है उतना बड़ा पानी का बॉल सोचिए इसके अंदर में, खाली सोचना है ना, वहाँ पे है, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे उस उतने वॉल्यूम का पानी है वहाँ पर, उसी को सोचना है, उसी के बारे में बात करना है। ओके, तो ये हो गया वेट बाय द अर्थ, और इसको हमने बोल दिया मान लो W1, ठीक है, किधर, ऊपर के नीचे, और कौन है बंदा जो इस पानी पे बल लगा रहा है, इस वाले पानी पर,
यहाँ वाला उसके चारों तरफ जितना भी पानी है सब नॉर्मल फोर्सेस लगाए थे उसके ऊपर, उसके सरफेस पे नॉर्मल फोर्सेस। सर नहीं सर, इसमें दो तरीके जैसे मुदीप जी ने बोला कि चारों तरफ से लगेगा, यस, लेकिन जो साइडवेज जो फोर्सेस हैं वो काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, इधर वाला बैलेंस हो गया, लेकिन ऊपर वाला जो फोर्स है वो कम हो, लेकिन डाउन नीचे से ऊपर वाला जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा। इधर आके बताओ स्ट्रिंग पे सर टेंशन है, स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा, स्ट्रिंग है कहां, स्ट्रिंग है कहां, इसके अंदर में इतने आयतन का ये जो गोला इसमें डूबा हुआ है वो जितना बड़ा गोला है उतना बड़ा पानी का गोला यहाँ बनाया है मैंने, और उसी गोले के साथ ऊपर सारी कहानी हो रही है। ओके पहले बता कौन लगा रहा है, पानी लगा रहा है ना, और पानी इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में है, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होता तो नहीं लगाता, राइट। अगर ये चौक है यहाँ पे और ये है इसमें कोई संपर्क नहीं है तो ये चौक इस पैन पर फोर्स नहीं लगा रहा है, राइट। तो कॉन्टैक्ट के कारण से जो फोर्स लगते हैं आप सब जानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं वगैरह वगैरह, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट के कारण से लगते हैं, संपर्क है इसलिए लगते हैं। तो ये जो बॉल, ये जो पानी का बॉल है उसके ऊपर जो उसके सराउंडिंग में पानी है जो उसके साथ कॉन्टैक्ट में है वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट में नहीं होता है वो फोर्स नहीं लगाता है। अगर हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है और मैं पूछूं इस बॉब के ऊपर मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं लगा रहा है ना, भले ही ऐसे आपको दिख रहा है कि हाँ कनेक्शन तो बना हुआ है, ओके, लेकिन इसका जब आप एनालिसिस करोगे तो आप दो ही फोर्स कहोगे, एक धरती और एक ये रस्सी, मेरा हाथ नहीं बोलोगे कि बोलोगे। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि इस पानी पे सिर्फ ये वाला पानी फोर्स लगा रहा है, ये वाला पानी फोर्स नहीं लगा रहा है, ये नहीं लगा रहा है, ये नहीं लगा रहा है, ये नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, हाँ उसका वेट उस पर लगेगा कि इस पर लगेगा। मेरा वेट का क्या मतलब है, धरती जिस बल से मुझे खींच रही है वो मेरा वेट है ना, वो मेरा वेट है, वो किसी दूसरे पे कैसे लगेगा, मेरा वेट तो मेरे ही पे लग सकता है। रुको सिंक होने दो सेंटेंसेस को, सिंक होने दो। मेरा वेट, ये जब हम शब्द प्रयोग करते हैं या किसी वस्तु ए का वेट जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो हम क्या मीन करते हैं, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इसी को भार कहते हैं ना। तो किस पर लगेगा वो भार, उसी पर लगेगा ना, धरती तो उसको खींच रही है, उसी उसका भार है, और तो दूसरे पे कैसे लग जाएगा, पानी का भार उस पर कैसे, दूसरे पे कैसे लग जाएगा, मेरा भार फर्श पे कैसे लग जाएगा, मेरा भार तो फर्श पे लग ही नहीं सकता है, मेरा भार है, धरती मुझे खींच रही है वो मेरा भार है, वो मुझ पर ही लग रहा है और किसी पर नहीं लग रहा है, मैं फर्श, हाँ हाँ खींच रही नहीं नहीं है नहीं नहीं आप पूरी ग्रामर ठीक रखना, पूरी ग्रामर ठीक रखना। धरती जो है इस पानी को खींच रही है, हाँ वो इसका भार है, धरती इस पानी को खींच रही है, हाँ वो इसका भार है, धरती इस पानी को खींच रही है, हाँ वो इसका भार है, धरती इस पानी को खींच रही है, हाँ वो इसका भार है, धरती इस पानी को खींच रही है, वो इसका भार है, ये सब इस पर लग रहा है, 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 इस पर
इस पर कौन लग रहा है? तो आप ये देखिए, इसी को ले लीजिए ना, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हम लोग अक्सर ये भाषा प्रयोग करते हैं कि मेरा भार जो है इस टाइल्स के ऊपर लग रहा है। मेरा भार टाइल्स पे नहीं लग रहा है, टाइल्स पे मैं कुछ और कर रहा हूँ। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन से वहाँ पे जो मेरे पैर के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, टाइल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस हो रहे हैं, है ना, जिसके कारण से कि मैं टाइल्स पे जरूर फोर्स लगा रहा हूँ और टाइल मुझ पे फोर्स लगा रही है, वो भार नहीं है। और अगर मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, अगर मैं इक्विलिब्रियम में हूँ तो टाइल्स मेरे ऊपर उतना ही ऊपर फोर्स लगाती है जितना कि धरती मेरे को नीचे फोर्स लगाती है, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, राइट। तो मेरा जो भार है यानी धरती जितने बल से मुझे खींच रही है, उतना बल टाइल्स मेरे पैर पे लगा रहा है ऊपर की तरफ, वो भार नहीं है, वो भार नहीं है। टाइल्स मेरे ऊपर उतना फोर्स लगाती है जितना हम उसके ऊपर लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसके बाद अब अगला स्टेप आया कि भाई न्यूटन का तीसरा नियम भी है, जितना टाइल्स ने मेरे पे लगाया उतना मैंने टाइल्स पे लगाया, यानी मैंने भी टाइल्स के ऊपर उतने ही न्यूटन का बल लगाया जितना धरती मुझे खींच रही थी। ये सब एनालिसिस से आ रहे हैं, सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, ये पूरी एनालिसिस चल रही है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये उसका सबका थर्ड लॉ, सबका प्रयोग हो रहा है। धरती ने मुझे खींचा, ठीक, टाइल्स ने मुझे ऊपर धक्का दिया, दोनों अलग अलग किस्म के हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों के नेचर ही अलग हैं बिल्कुल। मान में वो बराबर हैं, ये इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, अगर मैं ना होता इक्विलिब्रियम में तो बराबर भी नहीं होते, मैं उठक बैठक करूँ अगर तो ये बल बराबर भी नहीं होंगे, जब मैं नीचे एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो वहाँ कुछ और होगा, जब मैं ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो वहाँ कुछ और होगा। मैं इक्विलिब्रियम में हूँ इसलिए वो बराबर है, तो मैं अगर 80 केजी का हूँ, 800 न्यूटन से धरती मुझे खींच रही है, तो टाइल्स मुझे 800 से ऊपर खींच ऊपर धक्का दे रही है अगर मैं इक्विलिब्रियम में हूँ तो। और फिर न्यूटन के तीसरे नियम का इस्तेमाल करूँ तो मैं इस पर 800 न्यूटन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा हूँ, नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, भार इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। जी बताओ, ये जो फोर्स है, ये जो इस डब्बे में और इस शीशे में जो फोर्स है, इन दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, उसका प्रकृति क्या है? चार प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक होता है गुरुत्वीय, कैपिटल जी m1 m2 / r², वो वाला फोर्स है क्या? इसका m1 ले लूँ, इसका m2 ले लूँ, कुछ डिस्टेंस ले लूँ कैपिटल जी से, वो वाला फोर्स है क्या? नहीं है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से आता है, हैं यहाँ पे इसके सरफेस पर हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, इसके सरफेस पर भी हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, तो वो आ सकता है। और तीसरा और चौथा तो फिर न्यूक्लियस के भीतर का और वो सब का मामला है, तो वो तो होने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं। जितने कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, फ्रिक्शन, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, जितने कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। तो मेरा भार नहीं लग रहा है टाइल्स के ऊपर, 800 न्यूटन लग रहा है, मैं 800 न्यूटन लगा रहा हूँ लेकिन मैं अपना भार नहीं लगा रहा हूँ, मेरे भार के बराबर हो गया है वो फोर्स, नहीं भी हो सकता था। जैसे हम कह रहे हैं अगर मैं एक्सरसाइजिंग शुरू कर दूँ, हाथ ऊपर हाथ नीचे ये सब शुरू कर दूँ, तो 800 न्यूटन नहीं भी हो सकता है ना? ओके, भार 800 न्यूटन रहेगा, यस, हाँ, ये जो भार है जो धरती मुझे खींच रही है वो तो 800 से ही खींचेगी, क्योंकि वो तो जी m1 m2 / r² है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसको मतलब है किससे? m1 से, m2 से और r से, कैपिटल जी m1 m2 / r², कैपिटल जी तो खैर सार्वत्रिक स्थिरांक है तो उसका तो कोई झंझट ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। m2 धरती का मास है, उसका कुछ सोचना ही नहीं है। और अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो m1 भी फिक्स्ड ही है, उसके बारे में भी कुछ सोचना नहीं है, 2-4-5 दिन में बढ़ेगा 1-2 किलो, 2-4 मिनट में तो नहीं बढ़ने वाला है
आर जो है 6400 किलोमीटर है, दो चार मीटर हम ऊपर नीचे कर ही लेंगे तो उससे कुछ वहाँ होने वाला नहीं है, तो इसलिए वो तो 800 न्यूटन का 800 न्यूटन ही बना रहेगा, ठीक है ना। अरे कि हम अभी यहाँ उछल जाएं, लेकिन वो अगर 800 न्यूटन बना है तो वो वेइंग मशीन को कैसे पता चल रहा है कि 800 न्यूटन का ज़्यादा हो गया और कम हो गया? वेइंग मशीन तो इंटरेक्शन आपका यहीं पे है वेइंग मशीन के साथ, लेकिन वेइंग मशीन की जब स्प्रिंग ज़्यादा दबती है तब उसको पता चलता है अच्छा किसी ने ज़्यादा तेज से दबाया, तो आप कहाँ से ज़्यादा तेज उसको दबा पा रहे हैं? आप अपनी ऊपर नीचे करने से आप क्या कर रहे हो जिससे स्प्रिंग ज़्यादा दब जाती है? उसका एफडीडी बनाना पड़ेगा। जब भी हम स्प्रिंग पे खड़े होंगे यानी प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे तो हम कॉन्टैक्ट के कारण से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग मेरे को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तभी हम खड़े भी यानी तो हम गिर भी पड़ते हैं, राइट। तो क्या होगा प्रारंभ में क्या होगा कि इस फोर्स के कारण से जो हम लगा रहे हैं स्प्रिंग नीचे जाएगी, न्यूटन सेकेंड लॉ, हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं स्प्रिंग नीचे जा रही है, स्प्रिंग नीचे जा रही है तो उसका जो वहाँ का रिस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ रहा है, वो टाइट हो रहा है तो कर रहा है, वहाँ से वो अपना फोर्स बढ़ाता और घटाता। ओके, तो चलो वापस चलते हैं अपने पानी पे। तो ये जो ए नाम का पानी मैंने बनाया था इसमें राइट, इसमें के उस पानी के उस हिस्से को मैं देखना चाह रहा हूँ जिसका वही वॉल्यूम है, वही रेडियस है, वही शेप है जो इसका है, इस बॉब का है, वही बॉब इसमें भी है, तो उस वाले को हमने ए बोला और उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो है कि वेट, ये तो वेट हो गया, दूसरा है कि इसके आसपास का जो पानी है ये पानी इस पर फोर्स लगा रहा है। उसको मैं बी कह देता हूँ, उसका वैल्यू मैं बी कह देता हूँ। ये सब ले लिया मैंने, इस साइड का जितना भी पानी उसके साथ कांटेक्ट में था उन सब ने मिलकर के जितना फोर्स लगाया दैट इज कैपिटल बी। अब ये पानी तो कहीं जा नहीं रहा है और उस पर परिणाम ही जीरो होना है, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो बल है ये बी, ये आ कहाँ से रहा है? तो यहाँ जितना प्रेशर है जो यहाँ पे कांटेक्ट में पानी है, यहाँ पे जितना प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, उतना परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहाँ का छोटा सा एरिया जिसके ऊपर आप लोगे उस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे इस बॉब पे यानी उस पानी पे आप इतना सा एरिया सोचो छोटा सा, वो ऊपर के सरफेस से इतना नीचे है, उसके अनुसार एच रो जी करोगे, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस एच रो जी, ये यहाँ का प्रेशर बना। अब यहाँ जितना प्रेशर बना इनटू ये छोटा एरिया इतना फोर्स बनेगा और परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस बनेगा, पुश करेगा, राइट। यहाँ जितना प्रेशर है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, उतना यहाँ का एरिया लोगे आप तो इधर की तरफ वो फोर्स लगेगा, इसी तरह से यहाँ से आपको इधर की तरफ लगेगा, 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 एंड सो ऑन। और इन सब का मिल करके ये सारा पानी मिलकर जितना फोर्स लगा रहा है उसको मैं कैपिटल बी कह रहा हूँ। अब तो सारा पानी ले लिया, ग्रेविटी ले ली, और तो कोई है ही नहीं उस पर फोर्स लगाने वाला, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। यानी ये सब का जो रिजल्टेंट है, इन सब का जो रिजल्टेंट है B, दैट शुड बी इक्वल टू W, और डायरेक्शन भी इसका ऊपर की तरफ होना चाहिए क्योंकि जीरो कराना है ना, और भार तो पता ही है कि नीचे है तो इसको तो ऊपर होना ही चाहिए, और समझ भी आता है जो नीचे वाले पॉइंट है वहां प्रेशर अधिक होता है तो इधर से ज्यादा, तो सब मिलके जो रिजल्टेंट आ रहा है ऊपर और इतना आ रहा है, किसके किसके भार के बराबर है ये? उसी पानी के भार के बराबर है, इसी पानी के भार के बराबर है, ये जो गोला है पानी का जो गोला है अंदर में, उसी के इधर का पानी ऐसे, इधर का पानी ऐसा, सराउंडिंग वाटर जो है
प्रेशर वाला फोर्स लगा रहा है, उन सब का रिजल्टेंट मिलकर कैपिटल बी है जो इसी पानी के भार के बराबर है, इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए, ठीक है ना। अब आप आ जाओ इस वाले बीकर पे, अब आ गए हम इस वाले बीकर पे और अब हम उस स्टील बॉल की बात करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए स्टील के बॉल की वही शक्ल सूरत है जो इस पानी के गोले की थी, है ना, वही रेडियस है, वैसा ही स्फेरिकल है और उतने ही डेप्थ के ऊपर, हर चीज़ उतनी ही है, वही है। सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ से पानी हटा करके, इसके अंदर का पानी हटा के इसकी जगह पर सॉलिड आ गया है और कुछ नहीं बदला। ये बदलेगा क्या, ये पानी जो कांटेक्ट में है ऐसे फोर्स लगा रहा था, ये बदलेगा क्या, ये बदलेगा क्या, ये बदलेगा क्या, ये बदलेगा क्या, वही पी नॉट प्लस वही एच रो जी। और जितना यहां में डिफरेंस पानी के समय था उतना ही स्टील के समय है, क्योंकि स्टील का कोई रोल ही नहीं है, स्टील और पानी का कोई रोल ही नहीं है, ये तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आप जहां पर हैं उसका एच देख लो, पानी की डेंसिटी ले लो, स्मॉल जी से गुणा कर दो, जोड़ दो, यहाँ का प्रेशर मिल गया। तो अंदर में स्टील रहे चाहे पानी रहे चाहे कुछ भी रहे, हवा रहे कुछ भी रहे, ये प्रेशर तो बदलने वाले नहीं है। जब ये नहीं बदलेंगे तो ये भी नहीं बदलेगा, इन्हीं का रिजल्टेंट है ना, इन्हीं का तो रिजल्टेंट है। तो स्टील का बॉल डुबाने पर भी ये जो सराउंडिंग वाटर जो कांटेक्ट में है, जो प्रेशर के कारण से सब तरफ से उस पर फोर्स लगा रहा है, उसका रिजल्टेंट अभी भी वही कैपिटल बी है। लेकिन स्टील के बॉल का वेट बदल गया है, स्टील के बॉल का वेट बदल गया है, उसी उतना ही बड़ा पानी का गोला था पहले, अब उतना ही बड़ा स्टील का गोला हो गया है। हाँ, तो उसका वेट बढ़ गया है। अब ये स्टील का गोला इक्विलिब्रियम में क्यों है, थ्रेड की वजह से। अब तीन फोर्सेस हो गए, देखो थ्रेड ना होता तो इक्विलिब्रियम में ना रहता। हाँ, अब तीन फोर्सेस हो गए हैं। अब इस जब बॉब की बात करेंगे, अभी हमने स्टील बॉब लगा दिया है यहां पे, स्टील बॉल है तो उसको पकड़ने के लिए यहां से एक ये धागा भी है, बिना उसके वो लटक के बीच में नहीं टिका रहेगा। तो अब इसका जब बात करेंगे तो तीन फोर्सेस आ गए, स्टील बॉल, वेट, किसने लगाया, अर्थ ने लगाया, किधर लगाया, डाउनवर्ड, और ये जो है ये है W2, ठीक। ये स्टील के बॉल का भार है, चाहे पानी में रहे चाहे हवा में रहे, वो नहीं बदलने वाला है, कैपिटल G m1 m2 / r2। स्टील के बॉल का धरती के द्वारा लगाया गया बल है, वो नहीं बदलने वाला है। तो जो स्टील का बॉल का जितना भार है उतना है, जो इसका भार है अभी और जो इसका भार है अभी, आइडेंटिकल है। भार कहते हैं जिस बल से धरती खींचती है, और धरती जिस बल से खींचती है वो जस्ट कैपिटल G m1 m2 / r2 है। आप पानी में रखो, हवा में रखो, यहाँ रखो, जब तक आर नहीं बदलोगे, सैटेलाइट से उसको ले नहीं जाओगे 30,000 किलोमीटर ऊपर यहीं पे लैब के अंदर काम हो रहा है, तो वो नहीं बदलने वाले। ओके, ये बी जो था यही बी यहाँ आने वाला है, फोर्स By water in contact, ये वही बी है, ये वही बी है जो पिछली बार था, यानी W1, राइट। और इसके अलावा ये जो रस्सी बंधी हुई है, रस्सी उसको ऊपर खींच रही है, कॉन्टैक्ट है ना यहाँ पे, रस्सी का कॉन्टैक्ट है, यहाँ जो कॉन्टैक्ट है, जो रस्सी इसके साथ बंधी है, सिर्फ वही पोर्शन खींच रहा है और कोई नहीं खींच रहा है, जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है वही खींचता है, बाकी सब सहायता करती है। ओके, तो टेंशन बाय द स्ट्रिंग, ये सब किसके ऊपर हम बोल रहे हैं,
हाँ स्टील बॉल पे बोल रहे हैं, दैट इज टी। ये बी तो ऊपर था ही, ये तो वही बी है, ये तो वही बी है, वही प्रेशर इनटू एरिया वाला है, तो ये तो ऊपर था धरती ये, और स्ट्रिंग भी ऊपर खींच रही है, तो ये ऐसे ओके। अब इक्विलिब्रियम में तो है ना, ये इक्विलिब्रियम में तो है, ये वाला स्टील बॉल तो ये भी तो कहीं जा नहीं रहा है। अब तीन फोर्सेस हैं, स्ट्रिंग के कारण से, धरती के कारण से और सराउंडिंग वाटर के कारण से। अब इक्विलिब्रियम में तीनों मिलके जीरो होना है, तो क्या हो जाएगा बताइए। नीचे की तरफ है वेट और ऊपर की तरफ है ये बी और ऊपर की तरफ है टेंशन, तो टेंशन बराबर हो गया W2 माइनस बी, ठीक है W2 माइनस बी। अब इनके सबके देखिए, ये जो टेंशन है रस्सी में, जो टेंशन है, हम लोग भार का मान ज्ञात करने के लिए, भार ज्ञात करने के लिए नहीं, भार का वैल्यू मान निकालने के लिए अक्सर इस टेंशन का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ देखें, अभी हम यहाँ हम एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देते बीच में, तो ये टेंशन वहाँ नप जाता, और चूंकि इक्विलिब्रियम है, भार उतना ही है जितना कि ऊपर की तरफ फोर्स टेंशन से आ रहा है, यहाँ पे दो ही है ना, एक टेंशन है और एक भार है, इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन निकालेंगे तो W भी निकल आएगा, क्योंकि T बराबर W हो रहा है अभी इक्विलिब्रियम में। इसलिए अगर इक्विलिब्रियम में ना होता, पानी वानी और कोई फोर्सेस दूसरे होते, तब T बराबर W नहीं होता। लेकिन अमूमन हम लोग वेट निकालने के लिए, क्योंकि धरती कितने बल से खींच रही है उसको हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं, तो वो किसके बराबर है उसको अगर नाप सकते हैं तो उसको नाप लेते हैं। इसी तरह स्प्रिंग, ये जो आपका ये वाला पदरा है, इसमें क्या है, इसका जो अंदर का स्प्रिंग है वो फोर्स लगाता है, इसके ऊपर जब आप कोई चीज़ रख देते हैं, इसके ऊपर जब आप कोई चीज़ रख देते हैं, तो फिर वही इक्विलिब्रियम की कहानी है, ये पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो धरती जितना बल से नीचे खींचेगी उतना से पैन ऊपर खींचेगा, फिर पैन का इक्विलिब्रियम लेके चलोगे, स्प्रिंग आ जाएगा रास्ते में, तो स्प्रिंग उतने ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा जितना कि उसका भार है। वो भार नहीं बता रहा है, लेकिन वो हमें भार का मान बता रहा है, राइट। तो हम लोग जो भार अक्सर नापते हैं यंत्रों के द्वारा, वो भार नहीं नापते हैं, भार के बराबर दूसरा कोई बल है जिसको नापते हैं, टेंशन है, स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है, या डिजिटल है तो कुछ वहाँ अपना कॉयल वॉयल होंगी, जो कुछ होगा उसको हम नापते हैं, और हम अपनी एनालिसिस से जानते हैं कि हाँ ये भार के बराबर है। तो भार के बराबर होना और भार होना, दोनों में फ़र्क है ना। बराबर है मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं, बराबर हैं, अब देख रहे हैं कौन छोटा कौन बड़ा, कि बराबर, और वही है का मतलब एक ही चीज़ है, तो एक ही चीज़ नहीं है, दो चीज़ें हैं, लेकिन आपस में उनके मान बराबर है, तो हम वहाँ से भार नापा करते हैं। तो यहाँ जो हम कहेंगे कि बॉल का क्या भार है, बाकी सब कुछ नहीं मालूम है, तो इस रस्सी का टेंशन देख लो उतना है, और वही आदत हमने यहाँ भी इस्तेमाल कर लिया, बॉल का कितना भार है, इस रस्सी का टेंशन देख लो जितना है उतना भार कह देंगे, भार है वही तरीका ही सीखा है हमने। अब ये जो रस्सी का टेंशन है, ये W2 में से B घट करके है, इसी को बोला जाता है जब पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी हो जाती है, ये आभासी कमी है, कमी तो होती नहीं है, भार तो भार है, लेकिन लगता है कि हाँ कमी हो गई, रस्सी थोड़ी ढीली हो गई है, तो इसके भार में आभासी, यही आभासी कमी है। कितनी कमी हुई और B कितना है और W1 क्या है, उसका वेट उतना ही हटाएगा वो जब आप पहुंचेगा उससे, ओके। तो जो आभासी कमी आपको लग रही है वो ये B है, और ये B क्या है, ये B ये है, W1 है, और W1 क्या है, इतने पानी का वेट है, शुरुआत में ऐसे ही चले थे ना हम, तो इतने पानी का, यही दोनों बराबर होना चाहिए ना, जब केवल इस पानी को तय किया था हमने, और फिर बोला कि हम उसकी जगह स्टील ले आए हैं, तो बी तो नहीं बदलने वाला है, क्योंकि सारे एचरोजी वही 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 हैं,
तो इसलिए ये जो आभासी कमी हो रही है, ये जितना वॉल्यूम है उसका डूबा हुआ, उतने वॉल्यूम वाटर का जो वेट है, लिक्विड का जो वेट है, उसके बराबर है. दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये सारी कहानी जो है वो न्यूटन के पहले नियम से आ रही है, इक्विलिब्रियम 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 से आ रही है. और अगर अंशतः डुबाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं डुबाते हैं, आंशिक रूप से डुबाते हैं, तो आभासी भार कितना हो जाता है उसका? जितना भार डूबा हुआ है उतना डिस्प्ले उसका जो वेट आएगा. हाँ, तो फिर हम वही धंधे करेंगे, वही धंधे हम फिर करेंगे. अब जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे ले करके और इसको ऐसा पानी में आंशिक डुबा दिया. अब आप देख लीजिए जितना ये अंदर में है ना, ये डिब्बा जितना अंदर में है और इसको हम हटा देते हैं, उतने ही पानी का इक्विलिब्रियम कंसिडर कीजिए. ओके, हाँ, तो इतना ये इतना पानी जो है, अब इसमें शुद्ध पानी है, केवल पानी है और कुछ नहीं है, और पानी में ही हम पानी को ही ले रहे हैं. राइट, पानी में पानी को ही ले रहे हैं. डिब्बा है, ये डिब्बा नहीं है, ये पानी है. ये अभी डिब्बा डुबाया नहीं है मैंने. डिब्बा डुबाने का चित्र दूसरा होगा, यहाँ पे डिब्बा डूबा हुआ है, यहाँ पे डिब्बा डूबा हुआ है और इसके अंदर में जो कुछ भी भरा है ये भरा है. लेकिन जितना ये डूबा हुआ है एक्चुअल इस खाली पानी वाले बर्तन के अंदर में, उतने ही पानी की मैं चर्चा करूंगा. ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में. इसलिए इधर से फोर्स, उधर से फोर्स, उधर से फोर्स, उधर से फोर्स, उधर से फोर्स, इधर से फोर्स, ये सब मिल करके अपवर्ड फोर्स, ये इतने वेट को बैलेंस कर रखा है. और जब इस पोजीशन में आएंगे तो ये वाले तीर जो लगे हैं ये वही हैं, ये वही हैं, वही एचरोजी हैं, ये नहीं बदले. और इनका जो रिजल्टेंट है जो यहां इस पानी के वेट के बराबर है, ये रिजल्टेंट बी अभी भी उतना ही है, ये इन सब का रिजल्टेंट अभी भी उतना ही है ना. तो इस बर्तन को पानी ने इतना फोर्स नीचे से सपोर्ट कर दिया है. तो आपको जो पकड़ के रखना पड़ रहा है, इसको जो आप पकड़ के रखे हुए हैं, ये जो फोर्स आप लगा रखे थे उसमें आपको इतना कम लगाना पड़ेगा. ओके, तो इसलिए अंशतः भी अगर आंशिक रूप से भी अगर डुबाएंगे तो भी यही कहानी है, पूरी तरह से डुबाएंगे तो भी यही कहानी है. और जब हमें पकड़ने की जरूरत